Hello students, welcome to Jules Classes. I am going to start Science of Class 8, Chapter 8, Reproduction and Adolescence. ठीक है? इस आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि how organism reproduce, organ किस तरीके से मतलब organism जो होते हैं different different species जो होते हैं वो किस तरीके से reproduce करते हैं, ठीक है, किस तरह से वो young ones को produce करते हैं, जैसे for example hen जो हो गए या फिर आप कह सकते हैं snake जो होते हैं egg देते हैं, egg में से जो young ones होते हैं वो उनके निकलते हैं, ठीक है, इसके अलावा dog, woman, मतलब human being ये सब क्या करते हैं, young ones को by birth produce करते हैं एंड कुछ होते हैं जैसे हाइड्रा जो प्लांट्स में हो गया वो क्या करते हैं बर्ड्स की फॉर्मेशन में मतलब फ्यूजन की बाय फ्यूजन की हेल्प से वो हेल्प वो करते हैं बर्थ करते हैं ठीक है अमीबा जो होता है वो भी बर्थ करता है यंग बर्ड्स को प्रोड्यूस करता है बट वो सिंगल सेल होता है तो सारा बर्ड वो सिंगल सेल करता है तो वहाँ भी फ्यूजन होता है बर्ड भी फ्यूजन होता है मतलब वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं सेम काइंड के यंग बर्ड्स ठीक है तो इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो स्पीसीज क्या होता है स्पीसीज जो होते हैं मतलब हम कह सकते हैं स्पीसीज जो आपको साइड में एक बॉक्स दे रखा है ब्लू कलर का पेज नंबर 122 पर स्पीसीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड दैट कैन रिप्रोड्यूस स्पीसीज क्या होते हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होते हैं मतलब कई सारे एक ही तरीके की प्रजाति की चीजें होती है जो लोग होते हैं या हम कह सकते हैं एक ही प्रजाति के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक साथ जो होते हैं सेम काइंड के होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो होते हैं वो स्पीसीज ठीक है तो सेवेंथ क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्लान किस तरीके से होता है प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में ये हमने सेवेंथ क्लास में पढ़ा था एट क्लास में हम थोड़ा सा इससे डीपली थोड़ा जाएंगे और हम पढ़ेंगे इसमें एनिमल्स के में भी रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ठीक है तो लाइफ प्रोसेस लाइफ न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन एक्सप्रेशन एंड सर्कुलेशन हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव तो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस होते हैं मतलब लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती है ब्रीथिंग आती है मतलब रेस्पिरेशन आता है एक्सप्रेशन आता है इसके अलावा डाइजेशन आता है ब्रीथिंग आता है मतलब रेस्पिरेशन और इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जिसे हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन होता है ये सब चीजें किसमें आती है लाइफ प्रोसेस जो होता है इन चीजों के बगैर नहीं हो सकता ठीक है तो ये सब क्या करते हैं इतने भी लाइफ प्रोसेस है डिफरेंट डिफरेंट जो मैंने अभी नेम बताए हैं ये हम कह सकते हैं हमारी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं ठीक है अलाइव रहने के लिए बट ऑल ऑर्गेनिज्म ग्रो ओल्ड एंड अल्टीमेटली डाई बट एक्चुअली क्या है जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक लाइफ स्पैन होता है कि वो इतने साल तक जिएंगे उसके बाद उनकी डेथ हो जाएगी तो हम कह सकते हैं जितने भी सेल है उनकी भी लाइफ स्पैन होता है इसके अलावा सभी ऑर्गेनिज्म का एक टाइम होता है कि इतने टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है ठीक है एग्जैक्टली लेकिन ओवरऑल हम कह सकते हैं एवरेज उनका पता होता है ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो नियर अबाउट 100 ईयर्स होते हैं तो अलग अलग चीजों का लाइफ स्पैन होता है तो एक्चुअली क्या होता है अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से अपनी आने वाली जनरेशन को देख पाएंगे मतलब हम एक तरह से अपनी आने वाली जनरेशन को किस तरीके से ग्रो कर पाएंगे ठीक है तो रिप्रोडक्शन जो होता है मेन कॉज यही होता है रिप्रोडक्शन के पीछे रिप्रोडक्शन किस लिए होता है कि हमारी जनरेशन इंक्रीज हो ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम अपने तरीके के यंग बंस को प्रोड्यूस कर सकें ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉग है डॉग बर्थ करता है रिप्रोडक्शन करता है अगर डॉग धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे या फिर हम कह सकते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं तो क्या होंगे वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे या डॉग सारे खत्म हो गए तो यंग बंस होते जो पप्पी होते हैं वो किस तरीके से आएंगे तो इसी हम कह सकते हैं डायनासोर खत्म हो गए तो हम इसलिए करेंट में हमें डायनासोर हमें देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई पेरेंट्स बचे ही नहीं ठीक है तो रिप्रोडक्शन का मेथड जो होता है वो किस वजह से होता है कि यंग ओल्ड बंस होते हैं वही रिप्रोडक्शन करते हैं उनसे यंग बंस निकलते हैं और जनरेशन आगे इंक्रीज होती रहती है पॉपुलेशन उनकी ठीक है यंग बंस की तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जो यंग बंस को लगातार कंटिन्यूएशन में प्रोड्यूस करता रहता है ठीक है स्पीसीज को तो रिप्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग यंग बंस ऑफ इट्स ओन काइंड रिप्रोडक्शन क्या होता है सेम काइंड के हम एक ही तरीके के स्पीसीज को हम कह सकते हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है जैसे डॉग है डॉग से पपी हो रहा है हैन से एग होता है जिसमें से चिक निकलता है ठीक है तो ऐसे हम कैट कैट की जो होती है वो बर्थ करती है किटन को तो ह्यूमन बींग जो होते हैं वो बॉर्न करते हैं बेबी को ये सब क्या होता है ये सब चीजें जो वर्क आ जाती है वो रिप्रोडक्शन के अंदर आ जाता है टॉपिक ठीक है इट अलाउज एन ऑर्गेनिज्म टू मेक मोर कॉपीज ऑफ इटसेल्फ फॉर एग्जांपल जैसे फोटो कॉपी हम जीरोक्स कराते हैं जीरोक्स मशीन होती है जीरोक्स मशीन में हम क्या करते हैं सिंपल एक पेपर लेते हैं उसकी कॉपी निकालते हैं लेकिन एक्चुअली वो ट्रू कॉपी है लेकिन एक्चुअली जो उसके जीरोक्स कॉपी निकल रही है
वो सेम टाइप की है जो उसमें आपने लिखा है मेल ओरिजिनल कॉपी में, ट्रू कॉपी में, वही आपकी जीरोक्स कॉपी में भी आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसी तरीके से रिप्रोडक्शन भी होता है, वर्क करता है इसी फॉर्मूला पर। रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेम काइंड के रिप्रोड्यूस करता है, या हम कह सकते हैं सेम काइंड की स्पीसीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये तो हो गया हमने रिप्रोडक्शन के बारे में क्या क्या चीजें होती है, डिटेल में क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो द स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डस कंटिन्यू इवन आफ्टर देयर डेथ। तो स्पीसीज हम कह सकते हैं जो भी स्पीसीज है वो लगातार क्यों आने हमें कई सालों से देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, सेम काइंड के प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमें वो स्पीसीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइगर का मैंने बताया था, एक चैप्टर था आपका, उसमें चैप्टर में था एंडेंजर स्पाइसेस। तो एंडेंजर स्पाइसेस मतलब वो स्पीसीज जो खत्म होने की कगार पे है, मतलब वो की कुछ ही गिनी चुनी नाम कह सकता पॉपुलेशन बची है। ठीक है, जैसे टाइगर, टाइगर जो है गिनी चुनी है, अगर वो टाइगर खत्म हो जाएंगे तो सिंपल से हमें आने वाली जनरेशन को टाइगर्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो एक्चुअली क्या करते हैं, जब हम कह सकते हैं जो स्पीसीज है, जैसे टाइगर हो गया, जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, मतलब हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन करेंगे, तभी उनके यंग वंस प्रोड्यूस होंगे। ये सब टॉपिक आ जाता है रिप्रोडक्शन के अंदर। तो रिप्रोडक्शन का आपको हम कह सकते हैं कि आपको इतना कंफर्म पता चल गया होगा रिप्रोडक्शन क्या होता है एक नॉर्मल उसमें। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेम काइंड के बर्थ करना, रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, ये तो हो गया टॉपिक रिप्रोडक्शन क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल पेज नंबर 122 पे आपको नीचे दे रखा है कि एनिमल्स और ह्यूमन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसे बर्ड होता है, बर्ड क्या करता है, एग को देती है, जिसमें से एग में से जो भी होता है बर्ड का यंग वंस निकलता है। डॉग पपी को बर्थ करता है, ठीक है, बॉर्न करता है। वुमन जो होती है वो इन्फेंट को, बेबी को बोर्न करती है। हाइड्रा जो एक प्लांट होता है जो बर्ड्स निकलती है। तो सब में रिप्रोडक्शन होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, या हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट मेथड होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता है, वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या होते हैं, तो मैंने बता दिया रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या होते हैं। बर्ड जो होता है वो एग देते हैं, जिसमें से चिक्स और स्नेक्स निकलते हैं, अगर स्नेक का एग है तो। ह्यूमन बींग बॉन्ड करते हैं, इसके अलावा किचन और बेबीज जो पपीज जो होते हैं वो भी बॉन्ड के थ्रू होते हैं। हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा भी क्या करता है, पेरेंट बॉडी में से ग्रो करता है बर्ड्स के फॉर्म में। इसके अलावा अमीबा जो होता है वो स्प्लिट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हो गए। अब आ जाता है ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ये दो मोड्स में कन्वर्ट होता है, दो टाइप्स में होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये दो रिप्रोडक्शन होते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, द रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक ही टाइप के पेरेंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा क्या करता है, एक ही अमीबा होता है, उसी से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे आपको पेज नंबर 123 पर 8.2 फिगर दे रखी है, उसमें अमीबा का आपको बता रखा है कि अमीबा किस तरीके से कन्वर्ट होता है। तो अमीबा का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सिंगल अमीबा जो होता है, सिंगल पेरेंट जो होता है, वही रिप्रोड्यूस करता है, वही प्रोड्यूस करता है यंग बर्ड्स को। तो अमीबा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड हुई, उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में दो अमीबा रिप्रोड्यूस हो गए। तो अमीबा से किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, तो ये बताया गया आपको। तो ये हो गया फिगर 8.2 में अमीबा का प्रोसेस रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे मेल और फीमेल जो होते हैं, उनके जो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, और उससे क्या बनता है, जायगोट, और उससे हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं सेम काइंड के। ठीक है, तो ये तो हो गया रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। फिर एक आ जाता है टॉपिक जायगोट। जायगोट क्या होता है, वो भी आपको एक बॉक्स में दे रखा है कि ये फ्यूजन और प्रोडक्ट होता है, जो गैमेट्स, जो दो गैमेट्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं और डेवलप करते हैं एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं, तो वो होता है जायगोट। ठीक है, या हम कह सकते हैं जायगोट क्या होता है, जो गैमेट सेल्स होते हैं वो फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने से क्या बनता है, इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, सेम टाइप का या सेम काइंड का कह सकते हैं। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कह सकते हैं दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं यूजुअली। एसेक्सुअल में गैमेट्स नहीं होते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते हैं, सेक्सुअल में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स जो होते हैं उनसे जो यंग वंस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम टाइप के होते हैं, सारी सिमिलरिटी मिलती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं उनकी सिमिलरिटी जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट्स से मिलती हुई है, वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं पेरेंट्स से। ठीक है, उनकी आदतों से और उससे हम कह सकते हैं अलग भी हो सकते हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है, बाय बडिंग होता है, फ्यूजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, तो अलग अलग डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे अमीबा और हाइड्रा की हम ले लेते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, तो अमीबा को मैंने आपको बताया था अमीबा किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, तो अमीबा की फिगर फिर से आप चेक कर सकते हैं, फिगर 8.2 दे रखी है। बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, भी हमारे किस तरह से बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है। तो बाइनरी प्रोडक्शन इज कॉमन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, जो सेल जो होता है पेरेंट सेल अपने आप किड सेल भी डिवाइड होता है और वो क्या करता है यंग वंस को दो प्रोड्यूस करता है, जैसे इसमें दिखा रखा है दो डॉटर सेल्स आ जाती हैं अमीबा, ठीक है, या दो डॉटर अमीबा भी कह सकते हैं। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, उसके बाद क्या होता है दो अमीबा जो है वो दो यंग वंस में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिसे हम डॉटर अमीबा भी कहते हैं। तो यहाँ आज हमने आज इतना वीडियो को ऑफ करते हैं, आज हम वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उसके आगे मींस बडिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir, and for more videos please click on the I button above.